दिल्ली में इन दिनों गाजीपुर थाना क्षेत्र के जीडी कॉलोनी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पीसीआर वैन अनियंत्रित होकर होली खेल रहे एक शख्स को टक्कर मार देती है। वहीं पीड़ित का आरोप है कि उसके बाद पुलिस उसे पकड़कर थाने ले जाती है, मारपीट करती है, और वहीं आरोपी पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। देखते एक रिपोर्ट। सोनू को क्या पता था कि ये होली उसके लिए हादसे का शक्ल लेकर आएगी। मामला दिल्ली के गाजीपुर थाना क्षेत्र के जीडी कॉलोनी का है। सोनू मगन होकर बुधवार को पड़ोसियों और दोस्तों के साथ रंग खेल रहा था, डांस कर रहा था, तभी एक पीसीआर वैन आई और टक्कर मार गई। वहीं पीसीआर वैन पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने और पीसीआर वैन बुला लिए और सोनू को थाने उठाकर ले गए, और उसके साथ क्या क्या हुआ ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं। होली खेल लेते हैं, सामने से जिप्सी आई और सीधे टक्कर मारी है। टक्कर मारने के बाद मुझे थाने के लिए पहले यहाँ मारा, फिर थाने ले जाके मारा। तो गलती क्या थी आपकी? गलती कुछ नहीं थी मेरी, कोई गलती नहीं थी। गलती ये थी अपने घर के बाहर नाच रहे थे बस, और किसी के घर के दरवाजे पे नहीं, अपने दरवाजे पे नाच रहे थे। क्या किसी ने कोई कंप्लेंट करी थी पुलिस को? कंप्लेंट किसी ने नहीं करी थी। कंप्लेंट? अच्छा, किसी ने नहीं करी थी। आप लोग कोई हुड़दंग कर रहे थे? हुड़दंग नहीं कर रहे थे, हम करीब थे, अपने घर के आगे थे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने यहाँ भी मारा, फिर आपको थाने ले आके मारा, तो उसके बाद फिर आपने कॉम्प्रोमाइज क्यों किया? कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ी क्योंकि देखो, जॉब करने वाले कह रहे थे जेल जाना पड़ेगा, तो मैं जेल जाना नहीं चाहता, मैं कॉम्प्रोमाइज करके चला। सोनू के परिजनों ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने घर में मौजूद महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की। वहीं आसपास के लोगों ने भी बताया कि पुलिसकर्मियों ने वहां के लोगों के साथ बदसलूकी की और गाली गलौज भी की। एकदम से हम लोग ऊपर खड़े हुए थे, सभी लोग डांस कर रहे थे, ऊपर से सामने से जिप्सी आई और उन्होंने ऑन द स्पॉट काफी ज्यादा हाई स्पीड थी, 80 की स्पीड में ड्रिंक करके वो लोग गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने एकदम से इनको उड़ा दिया। हम लोग आए ऊपर से उतर के भाग भाग के, वो लोग हमारे घर में घुस के हमको धक्का दिया, हम लोगों को धक्का देके मेरे पति को जबरदस्ती घर से निकाल के ले गए, अपनी गलती होते भी। महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करी? हाँ जी, हाँ जी, जेंट्स पुलिस वाले ने लाठी इनको मार रहे थे, प्लस मेरे हाथ में भी लगा है। मेरे हस्बैंड को मारने के साथ उन्होंने मुझे धक्का दिया, मुझे मुझे धक्का दिया और मुझे धमकाया कि आप हट जाओ वरना आपको भी थाने ले चलेंगे। कल एक गाड़ी लेके आए पुलिस वाला दोनों, और ये बच्चे दोनों सर बने यहाँ पे खड़े थे, और दोनों सीधे उड़ा दिए। वो बच्चा गाड़ी पर गया, गाड़ी पर से नीचे आ गया, उसके चोट लगा, और उसके बाद वो बच्चा दिखा रहा है, उस सबके चोट लगा था, और दूसरा पुलिस वाला ने बोला कि यहाँ पे थी आ गया, और उसके बाद वो पुलिस वाला फिर गाली देने लगा कि यहाँ पे रोड पर के खड़े हैं आप लोग। हाँ, फिर उसके बच्चा ने वो बोला फिर मुझे चोट लगी है, तो फिर उसके बाद उसकी बीवी आई, उसके बीवी भी बोलने लगी, तो उसके भी बोलने लगा, जितना औरत से सबके खदेड़ने लगे वो सब यहाँ से, जितना बच्चे आ रहे थे सब पर मोबाइल छोड़ लिया था पुलिस वाले ने, मोबाइल छीन लिए थे। हाँ, कि वीडियो ने बने यहाँ पे, और डंडा लाठी भी मारा, डंडा तो मारते वहाँ गया, और बच्चा के यहाँ पे पीटा, वहाँ पे पीटा। वहीं सोनू ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिसकर्मियों ने समझौता कर जबरदस्ती हस्ताक्षर कर उसे छोड़ दिया। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। वहीं मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे साफ है कि पुलिस आरोपी पुलिसकर्मियों को बचा रही है। न्यूज वन इंडिया के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रवि सिंह की रिपोर्ट। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।